व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज़ प्रांजल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस जल बाइकर। तो भाई आज से मेरी राइड शुरू है विंटर स्पीति की। मैंने इसका पहले कोई वीडियो नहीं बनाई प्रिपरेशन वगैरह की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने सारा जो कैमरा का गियर है वो अपने इस बैग में फिट कर दिया था, क्योंकि पहली बार मैं बैग माउंट कर रहा हूँ तो मैं लास्ट मोमेंट पर करना नहीं चाहता था इसी वजह से। तो मैं आज निकल रहा हूँ विंटर स्पीति, तीन दोस्त और हैं, दो डोमिनार हैं और एक निंजा 300 है उनके साथ में, उनका वेट कर रहा हूँ अभी मुकरवा चौक पे। टाइम हो रहा है अभी अराउंड 6:15 के आसपास और वो लोग आएंगे, फिर थोड़ी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो आज डेट हो रही है 9 जनवरी और पिछले दो दिन से काफ़ी स्नोफॉल हुई है काज़ा में, तो एक्सपेक्टेड है कि हमें कुफरी से ही स्नोफॉल मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेच हो जाए वहाँ तक, जिससे वहाँ पे टाइम भी लगे तो हम अराउंड शाम के 6 बजे तक रामपुर बुशार पहुँच जाएँ, जिससे मतलब ज़्यादा रात में तो हम चलना ही नहीं चाहते किसी भी टाइम पे। अभी ज़्यादा फॉग नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉग कम है और हो सकता है हमें रास्ते में मिले, क्योंकि पानीपत के आसपास जहाँ पे फील्ड्स वगैरह आते हैं, खेत वगैरह आते हैं, वहाँ पे फॉग मिल सकती है, तो उस चीज़ को हमने कंसिडर कर रखा है। एक दोस्त के पास में फॉग लाइट्स है तो वो लीड करेगा, इसलिए सारा प्रिपरेशन करनी थी, सब कुछ काफ़ी सामान पैक किया है। ये है मेरा वेटा रखा क्लो बैग, ये टैंक बैग है, टैंक बैग मैग्नेटिक है इसलिए मैं टैंक पे लगा नहीं पाया, मेरा टैंक फाइबर का है इसलिए मैंने इसी पे फिट कर दिया। सामान सारा पैक हो चुका है, काफ़ी सारा सामान है और ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड के बचाने के लिए भी काफ़ी सामान लिया है मैंने, डिकैथलॉन से ज़्यादातर सामान लिया है। तो बाइक में भी काफ़ी काम करवाया मैंने इससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और विंटर स्पीति को प्रिपेयर करने के लिए। तो गाइस जो राइड है बहुत एडवेंचरस होने वाली है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बस यही बताना था। मैं शुरुआत से एक इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया घर से निकलते, बिकॉज वही था लास्ट मोमेंट था, सारा करना था, इधर उधर सामान था सारा का सारा, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो अपडेट करता रहूँगा मैं जैसे जैसे हम पहुँचते रहेंगे आगे, इसलिए गाइस एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, आपने टाइटल में देख लिया होगा ये एपिसोड 1 है मेरी विंटर स्पीति राइड का। हम दिल्ली से निकल के रामपुर बुशार जाएंगे, जो अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास है, 600 तो नहीं होगा तो 500 तो होगा ही, 500 के अराउंड होगा रामपुर बुशार। हमें अराउंड 12 घंटे लग जाएंगे रामपुर बुशार पहुँचते, इसलिए आज की राइड थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है, जिससे हम कल से छोटी राइड कर सकें, मतलब जिससे हमारे पास घूमने के लिए और रेस्ट करने का भी टाइम हो। हो ठंड लग रही है। तो गाइस अभी बज चुके हैं अराउंड 7:15 और हम 65 किलोमीटर आ चुके हैं दिल्ली से और थोड़ी बहुत हमें धुंध मिलने लगी है। अब हमारे जो आगे चल रहे हैं वो हैं दीपांशु भाई निंजा पे और ये हैं हमारे अस्मित भाई डोमिनार पे और लोकेश भाई हैं को पीछे डोमिनार वो टेल पे चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से हमको अराउंड 3 घंटा लगेगा अंबाला का, अंबाला ही रुकेंगे डायरेक्ट, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे का रूट देखेंगे कहाँ पे कैसे रुकेंगे, टाइम के हिसाब से देखेंगे, अगर टाइम कम होगा तो कम रुकेंगे, टाइम होगा तो कुफरी नारकंडा में थोड़ी फोटोग्राफी सेशन कर लेंगे। तो अभी तो हम आराम से ही चल रहे हैं, माइलेज भी निकालनी है और सामान भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 80-90 की स्पीड हमने मेंटेन कर रखी है, कोई ज़्यादा भागा नहीं रहा, फॉर्मेशन में ही चल रहे हैं। अभी यार ठंड लग रही है, ग्लव्स में मैंने फ्लीस डालना भूल गया, सिंपल मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं, इनमें मैंने कुछ डाला नहीं है। तो अभी देखता हूँ, ज़्यादा ठंड लगेगी तो विंटर ग्लव्स पहन लूँगा, मैंने डिकाथलॉन से लिए थे। उसके बाद यार ब्रेकफास्ट करना है, भूख भी लग गई है, ठंड तो है ही भाई, विंटर स्पीति जो है ठंड का तो नाम ले ही नहीं सकता मैं। ओ सम मौसम। सो बाइक मेरी चल चुकी है अराउंड 210 किलोमीटर और हम निकले थे 7 बजे, हम लेट हो गए थे मूर्थल से निकलते निकलते, एक दोस्त ने मूर्थल में ज्वाइन किया, उसके बाद में हम अब पहुंच चुके हैं अंबाला। ये अंबाला का आपका स्वागत करता है अंबाला, ये यहाँ का एंट्रेंस है। अभी बाइक रिजर्व में आ चुकी है और ये ऑयल वाला ब्लिंक कर रहा है, वैसे मैंने इसको रीसेट नहीं किया था वरना सही था, ऑयल मैंने चेंज करवाया है 10 दिन पहले ही।
तो यार मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, फॉग हमें मिली थोड़ी बहुत रास्ते में, बट सही है, ज़्यादा मैनेजेबल है, इसी वजह से ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई। बाइक सब बढ़िया काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। अभी देखते हैं यार, शिमला तक हम जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, उसके बाद में हमारी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी बिकॉज स्नोफॉल मिलेगी और पूरी गीली रोड्स होंगी तो स्लिप करेगा टायर। तो अभी यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट करेंगे। चंडीगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर्स है, ब्रेकफास्ट करके वहाँ से फिर एक दोस्त को टायर चेंज करवाना है अपनी बाइक में आगे पीछे, वो कराएगा, फिर शिमला जाएंगे, शिमला से नारकंडा, नारकंडा में लंच करने का सोच रहे हैं, नारकंडा में लंच करके फिर हमारा जहाँ पे स्टे है रामपुर बुशार में वहाँ जाएंगे। तो अभी देखते हैं कितना कवर होता है। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ पार किया है, यह है हिमालयन एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा और यहाँ से शिमला है कम से कम भी 90 से 100 किलोमीटर, 1 से 1.5 घंटे में कवर करने का हमारा एक्सपेक्टेशन है बिकॉज हमें टाइम से रामपुर बुशहर भी पहुँचना है, वहाँ जाके ही हम कुछ खाएंगे, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया सुबह से। बाइक की मैंने टंकी फुल कराई है, मेरा अराउंड 800 का तेल लगा और अराउंड 270 किलोमीटर से मेरा टंकी खाली हो गई थी। हाँ सही है, बिकॉज हम थोड़ा स्पीड में भी आए थे, तो अभी सारा पूरा पैकिंग चल रही है, मतलब जो थोड़ा बहुत हमने सामान निकाला था वापस पैक किया है। अभी धूप का मज़ा ले रहे हैं, इतने ठंड में धूप मिली है तो थोड़ा हमने रेस्ट किया और अब डायरेक्ट निकलेंगे शिमला। शिमला पहुंच के खाना खाएंगे, अब देखते हैं वहाँ कैसा माहौल रहता है, अगर बर्फ़ कम हुई तो हमारे लिए बहुत अच्छा है बिकॉज़ हम आज के दिन नहीं चाहते बर्फ़ मिले, कल मिलेगी तो ठीक है, इसलिए आज एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब होप करेंगे कि बर्फ़ कम मिले शिमला, फागू, कुफरी और नारकंडा में। स्टिल लेट्स सी क्या होता है, कितनी बर्फ़ मिलती है। इस बाइक को टायर भी चेंज करवाना है अपना, अपोलो लगवाएगा, अब उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, तो अभी चलते हैं यहाँ से, सबने पैकिंग कर ली है। तो यहाँ से शुरू हो चुका है पहाड़ी इलाका जिसके लिए हम आए हैं, ऑल्दो हम जहाँ जा रहे हैं उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ से थोड़ी सी रोड्स ऑफ हैप्पीनेस शुरू हो चुकी हैं। यहीं पे लीन कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे, तो जहाँ पे स्नो गिरी होगी वहाँ पे ब्लैक आइस होगी, वहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, ओहो हो, ठंड शुरू हो चुकी है गाइस, और हम शिमला से हैं अराउंड 40 किलोमीटर्स और अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है और स्नो देखनी स्टार्ट हो चुकी है यहीं से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे स्नो देख रहा हूँ बिकॉज जब भी आते हैं तो शिमला में ही मिलती है, अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ नहीं मिलती, बट इस सीज़न में बहुत स्नोफॉल हुई है तो इधर भी हमें स्नो देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी पीछे स्नो थी। अब जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे होता क्या है कि या तो ब्लैक आइस तो जमती है जहाँ पे कि शेडो होती है, जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे पानी हो जाएगा और या फिर स्नो बिल्कुल सूख जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं पड़ रही है तो बर्फ़ जमा हो रखी है, जैसे इस गाड़ी पे बर्फ़ है, तो ऐसा ही होता है। अब जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है वहाँ पे सबसे बड़ा जो एक राइडर को ख़तरा होता है वो होता है ब्लैक आइस का, टायर कभी भी फिसल सकता है, समझ नहीं आएगा आपको कि ये रोड है या ब्लैक आइस है, क्योंकि वो बिल्कुल रोड पे रोड के कलर की होती है, तो उसमें बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है। कई बार मेरे कई दोस्त गिरे हैं ब्लैक आइस पे, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बर्फ़ है क्योंकि स्नोफॉल हुई है और यहाँ पे स्नो जो सनशाइन है वो नहीं आ रही है, धूप नहीं निकलेगी तो यहाँ पे बर्फ़ जमी रहेगी, जहाँ धूप निकल जाएगी वहाँ पे बर्फ़ नहीं रहेगी। तो अभी यहाँ से हम शिमला पहुँच के थोड़ा सा रुकेंगे एंड उसके बाद में नारकंडा थोड़ा फोटोग्राफी सेशन करेंगे बिकॉज नारकंडा में काफ़ी बर्फ़ बता रहे हैं, मैंने कल 2-4 लोगों से पूछा था लोकल से, तो नारकंडा में काफ़ी स्नोफॉल बता रहे हैं। अब थोड़ा बहुत खाएंगे शिमला में, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और जो दो राइडर्स हमारे आगे हैं थोड़ा उनसे मिल के उसके बाद में उनको समझाना भी है कि आगे पीछे नहीं रहना, बिकॉज अब से जो एरिया स्टार्ट होगा वहाँ पे हम आगे पीछे रह करके नहीं कर सकते, हमें साथ ही रहना होगा, प्लेन्स में जितना आगे पीछे हो गए अब हम रिस्क नहीं ले सकते। हो तो अभी टाइम हो रहा है 4 PM 4 PM 4 बज चुके हैं
हमें राइड करते करते हो गए हैं 8 घंटे, और यार बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है। शिमला तक हमें बहुत जाम मिला, मतलब इतना था कि उधर तो इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी कि मैं हैंडल से हाथ हटा के गोप्रो भी ऑन नहीं कर पा रहा था। आप लोग देख सकते हैं रोड पे पूरी ब्लैक आइस है, बहुत गंदा फिसलता है इसमें टायर। सुंदर तो है यार, ये देखो व्यू। अभी हम कुफरी की तरफ जा रहे हैं, रामपुर में हम स्टे नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे नारकंडा में स्टे, बिकॉज हमारा ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। गाइज ये देखो यार, होली शिट मैन, दिस इज इनसेन। दिखने में कम लग रही होगी लेकिन ये जो रोड पे सारी ब्लैक आइस है, और ये जो नॉर्मल स्नो देख पा रहे हैं आप लोग, और अगर एक बार बाइक यहाँ रुक गई ना भाई, तो किसी की मदद के बिना नहीं होएगी स्टार्ट। चालू मतलब कि चलेगी नहीं आगे, फिसलता रहेगा टायर। ओह बहुत गंदी फिसल रही है, बहुत गंदी। यहाँ से असली ऑफ रोडिंग हमारी शुरू हो चुकी है। ये पूरी स्नो है जो आप मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी नहीं है ये, स्नो है। यहाँ पे बाइक रुक गई ना भाई, हो गया काम। पैराडाइज है भाई कुफरी, लेकिन पैराडाइज उनके लिए जो बस में, ट्रैवलर में या फिर और किसी वाहन से आते हैं। अगर आप बाइक लेके आ रहे हो तो ये एक चैलेंज है। ये ऊपर से सुंदर दिखता है, जब राइड करते हैं तब चैलेंज होता है। अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, मैं चंडीगढ़ से 101 किलोमीटर हुआ है, और इस रोड पे मैंने कम से कम भी 14 से 15 एक्सीडेंट देख लिए गाड़ियों के। कहीं ना कहीं गाड़ियाँ भिड़ी पड़ी हैं, बिकॉज ब्लैक आइस है, उस पर रोड जो टायर है बिल्कुल ग्रिप नहीं लेता, बहुत ज़्यादा फिसलता है और एकदम से फिसलता है। ये देखो गाइस कितनी बर्फ है। चल चल जान दे, चल बेटी जान दे। वो चल तू कर लेगी बेटी, चल शाबाश जे बात, शाबाश बेटी। चल भाई चल, रुकना मना है, रुकना नहीं है, चल बेटी, चल, चलेगी। R3 है, दौड़ेगी। ओ पैराडाइज, वाह। अब रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे को टायर चेंज करवाना चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है टायर, मतलब जूते भी नहीं ग्रिप ले पा रहे हैं, तो पैर भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस बहुत स्नोफॉल हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा। 2 दिन पहले ही जब मैं घर से निकल रहा था तो ऑरेंज अलर्ट दिखा रखा था। ऑरेंज अलर्ट मींस कि वेदर फोरकास्ट का अलर्ट है, हैवी स्नोफॉल वार्निंग दे रखी थी। भाई स्नोफॉल तो है, स्नोफॉल तो बहुत हुई है। चल बेटी चल, करेगी तू करेगी। तो यहाँ पे किसी ने स्नोमैन बना रखा है। सो आई एम लुकिंग फॉर एनी होटल, अगर होटल हो रास्ते में तो रुक जाएंगे भाई, बिकॉज आज का हो गया एडवेंचर। ये शिमला ने आधा एडवेंचर करवा दिया हमारा, अब और नहीं सह पाएंगे हम।
एक तो इतनी तेज सनलाइट आ रही है आगे से, ऊपर से ब्लैक आइस हो रहा है। चलो चल चलो, आई 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 ब्लैक आइस आई आई रे आई ब्लैक आइस आई आई रे आई ब्लैक आइस आई। और मैं निकला गड्डी लेके एक ब्लैक आइस आई और गड्डी मैनू वहीं छोड़ गई। रेडिएटर तब से चल रहा है मेरा, बीच में बंद होता है बीच में चलता है। भाई 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 खतरनाक। अरे होली शिट मैन, यहाँ पे भी जाम, व्हाट द हेल। सो गाइस अभी मैं गिरी बाइक मेरी, हमारा प्लान चेंज हो चुका है, हम कज़ान जा पाएंगे, बहुत बहुत स्नोफॉल है। हाँ भाई उठ तो गया हूँ मैं, लेकिन चल नहीं रही है, दिक्कत आ रही है, मिला है और यहाँ पे बुरी हालत है। बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है, बहुत मुश्किल है यहाँ चलना। हाँ निकलिए, धीरे धीरे जा रहा हूँ। अरे ब्रेक नहीं, आगे गाड़ी वाले ने रोक दी तो फंस गए स्नो में। वही ना, बहुत स्नो है और ढलान में हो रहा है। भाई गए गए गए, वो गिर गया।
फिर आ रहा हूँ मैं। हाँ देखा था मैंने। हाँ भाई सब गिर रहे। नहीं मुश्किल है। हाँ भाई रुक जाओ भाई। तभी तो कह रहा हूँ रुक जाओ। हाँ बाइक फंस रही है मेरी। रुक जा निकल गई निकल गई। हाँ भाई हो सकता है भाई जो भी है। फिसल रही है भाई फिसल रही है। अरे आइस है आइस है। गाड़ी आ रही है जाने दो। अब कहाँ जाना है? अरे तो रूम पर रास्ता सो गाइज आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। जैसा कि वीडियो में था हमारा जो विंटर स्पीति का जो ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन लास्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह कहते हैं प्लान फेल नहीं हुआ, वो प्लान माइनस में चला गया। पहले हमारा प्लान था रामपुर बुशार रुकने का, फिर हमने सोचा कि नहीं यार रामपुर नहीं पहुँच पाएंगे, नारकंडा रुकते हैं। फिर जब हालत और ख़राब होने लगे तो नारकंडा नहीं कुफरी रुकेंगे।
तो फिर कुफरी से नीचे आए संजौली, संजौली से शिमला। लास्ट में ऐसा हो गया कि हम शिमला भी नहीं रुक पा रहे थे। एक फ्रेंड था, उसने आर्मी कैंट में स्टे हमारा ऑर्गेनाइज करवाया, बट जो आर्मी कैंट है शिमला में वो थोड़ा सा हाइट पे था और इवन गाड़ियाँ तक ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, मतलब जो थोड़ा इंक्लाइंड रोड थी, क्योंकि स्नोफॉल होने लग गई थी और आइस पूरी जम चुकी थी रोड पे। तो पूरी आइस जमने की वजह से क्या हो रहा था कि जो इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी रोड कि आप टायर रोप्स लगाओ, चेन्स लगाओ, कोई काम नहीं आ रही थी। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना हमें होटल्स मिल रहे, ना हम स्टे में कहीं जा पा रहे। रात हो गई थी, रोड पे पूरी आइस जम चुकी थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब टफ हमारा वो मोमेंट था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हमसे गलती ये हुई कि हम जो वेदर है वो काजा का ट्रैक करते रहे, काजा, नाको, ताबो। हमने सोचा नहीं था कि शिमला में भी इतना ज़्यादा हो सकता है। हमने आगे का सोचा था कि आगे चलो इस दिन धूप है, इस दिन नहीं है। हमने सोचा था शिमला में तो नॉर्मल होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा था। और जो मेन रीज़न था हमारा फंसने का वो था ट्रैफिक जाम। अगर हम फ्रेश आए स्नो पे भी चलते तो हमारे लिए बहुत इजी रहता, बट हम नहीं चल पा रहे थे बिकॉज़ कि जो ट्रैफिक है उस वजह से, जो फ्रेश स्नो होती है, स्नो पे बार बार गाड़ियाँ जा जा के उसको इतना ज़्यादा दबा देती हैं कि वो पूरी आइस बन चुकी थी, जिस वजह से हमारी बाइक बहुत बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत गंदा फंस चुके थे हम। तो हमने आखिर में सोचा कि हम अपने बाइक्स के टायर हवा निकाल के उसको नीचे लाएंगे, जितना नीचे ला सकते हैं, हिली एरिया से बिल्कुल नीचे, जहाँ पे बिल्कुल रोड नॉर्मल हो। तो हम अराउंड 11 बजे से 12 बजे के बीच में हम सोलन के पास पहुँचे थे, जहाँ पे हमें लगा कि यार अब रोड थोड़ी नॉर्मल है। वहाँ जाके हमने टायर में हवा फिर नॉर्मल करी, डिनर किया, एंड फिर वहाँ से हम चंडीगढ़ के लिए निकले। चंडीगढ़ में हमने थोड़ा चाय पी, एंड देन चाय पीने के बाद में हम वहीं से रात भर ही हमें दिल्ली आना था, बिकॉज़ हम रुक नहीं सकते थे, हमें नहीं पता था अगले दिन मौसम ख़राब हो कैसा हो। तो फिर हम चंडीगढ़ के लिए निकले। चंडीगढ़ में जब हम दिल्ली आए और चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जो निकले, वो जो एक स्पैन ऑफ टाइम था वो था 5 घंटे का। वो 5 घंटे भी हमारे लिए बहुत बहुत डेंजरस और मतलब टफ रहे, बिकॉज़ जो फॉग थी रास्ते में बहुत ज़्यादा थी, मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी थी बहुत सारे एरियाज़ में, और हमें रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। हम 25 आवर्स से बाइक चला रहे थे, एंड उसके बाद में हमने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था, मतलब एक जगह डिनर किया था बस ढंग से, बाकी जगह बहुत थकावट हो रखी थी, ठंड लग रही थी, थकावट थी, इतना राइड कर रहे थे, एंड देन ऊपर से यार स्पीति का प्लान किया था, तो वो बहुत ज़्यादा एक निराशा थी मन में कि यार राइड नहीं कर पा रहे। तो हम बहुत मुश्किल से दिल्ली तक आए फॉग के अंदर, जो बहुत टफ था हमारे लिए। फिर फाइनली घर पहुँचे, एंड देन रियलाइज़ कि हमने कई गलतियाँ करी थी जो नॉर्मल थी, मतलब अगर नॉर्मल वेदर रहता तो वो गलतियाँ नज़रअंदाज कर सकता है वह इंसान, बट वो वेदर इतना टफ हो गया था कि वो गलतियाँ, छोटी गलतियाँ भी बड़ी हो गई थी। जैसे हमें अपना टायर चेंज करवा लेना चाहिए था, हम नॉर्मल सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स पर चल रहे थे, जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और ये सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो उस वेदर के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई थी। हमें वेदर शिमला का ट्रैक करना चाहिए था, हम थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम स्नो में चले गए, ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स में चले गए। वो जो एक मतलब हम जिस दिन शिमला पहुँचे उससे एक रात पहले ही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है शिमला में और कुफरी में, तो वो काफ़ी दिक्कत दे रहा था हमें। इस वजह से हमारी जो राइड है वो फेल हो गई। लेकिन हमने सोचा कि हमने मतलब ये नहीं किया कि यार जाएंगे जाएंगे, हम उसी टाइम वापस आ गए, बिकॉज़ हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये राइड फेल हो गई, दुख हुआ इस बात का ज़रूर, बट मार्च में करेंगे हम। हमने सोचा है कि ये राइड विंटर्स पे थी तो पूरी करनी है। तो ये था, आपने वीडियो में देखा होगा क्या मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ट्रिप की, वो आखिर जा कर के एक्साइटमेंट एक डर में पैदा मतलब तब्दील हो गई थी। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा था। हमने शिमला हम पहुँचे शिमला हम 7 o'clock पहुँचे थे शाम के, 7 o'clock नहीं 6 o'clock, और हम सोलन पहुँचे थे अराउंड 1 o'clock। उसके बीच में पूरा जाम था। उन 6 घंटे में हमने कम भी 18 से 19 एक्सीडेंट्स देख लिए थे। और मतलब भाई ऐसा है कि इतनी ज़्यादा स्नो थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोग नॉर्मली चल रहे हैं, बट वो ऐसे है कि यहाँ पे अगर नॉर्मल रोड है, आगे जाके इतनी ज़्यादा आइसी रोड है कि गाड़ी बाइक जो भी है वो वहाँ जाके फिसल रही है। तो
तो बहुत ज़्यादा केओटिक से सिचुएशन हो गई थी, और मतलब हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमने फोर्स भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, बट हुआ। इस वजह से हमारी पूरी ट्रिप फेल हो गई, बट एक चीज़ अच्छी हुई कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस ट्रिप से। मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन हैं वो देख ली कि यार इससे ज़्यादा तो क्या होगा, तो उसमें हमने मतलब राइड किया। तो एक होता है कि हमको पता लग गया कि यार ये सब भी हो सकता है अगर आप ऐसे एक्सट्रीम राइड प्लान करते हो। तो इस वजह से हमें जब अगली बार ट्रिप प्लान करेंगे तो हम ये सब सोच के निकलेंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन्स ऑब्वियसली बेटर होंगी। तो बस ये था यार, राइड टफ थी। मतलब ये राइड नहीं थी, एक तरह का पूरा फेल था विंटर स्पीति का, बट हम बिल्कुल सही सलामत घर आए बिना किसी खनोच के। बहुत मतलब वी आर ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट दैट। बट अगर आप में से कोई भी राइड प्लान कर रहा है तो यार डेस्टिनेशन का वेदर और टेम्परेचर देखने से पहले आप जिस जिस एरिया से जा रहे हो उसका ज़रूर से देखो, क्योंकि और अंडर एस्टिमेट मत करना, इस बार बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ख़राब वेदर है। गाड़ी से जा रहे हो फिर भी ठीक है अगर SUV है, तो बाइक से तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाना, और नॉर्मल गाड़ी से भी जा रहे हो जिसमें 4x4 नहीं है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाना, बिकॉज़ नॉर्मल SUVs ही चढ़ पा रही थी। मेरे सामने एक थार फिसलती हुई नीचे आ रही थी, थार जैसी गाड़ी को अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो यार सोच लो कि ना नॉर्मल गाड़ियों को या बाइक्स को कितनी ज़्यादा होगी। तो बस यही था यार, राइड सेफ ठीक है। इस थोड़ा जो वेदर है इसका ध्यान ज़रूर से रखना क्योंकि ये बहुत ख़राब है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, बहुत मेहनत करी है और ये बहुत कुछ मतलब स्ट्रगल किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये जो विंटर स्पीति की प्लेलिस्ट है इसमें नई वीडियो आएगी मार्च में, और ढंग की वीडियो आएगी उसमें हम पूरी करेंगे राइड ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ वीडियो पसंद आए हो या फिर कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ कर लेना ठीक है। तब तक के लिए गाइस, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।